हेलो एस्पिरेंट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्ज़ाम 2022। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स में कि जनरल इकोनॉमिक्स 1 का प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि जब वो क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के तो वो बहुत टफ होते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट, ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। उनको वो ये सोच भी नहीं सकते कि उसका आंसर कहाँ मिलेगा उन्हें। तो ये एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक होता है कि जनरल इकोनॉमिक्स 1 की तैयारी कैसे करें, क्या स्ट्रेटजी उसके लिए होनी चाहिए और कौन से बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि आप कोई भी बुक पढ़ के इस एग्ज़ाम के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं। आपको बहुत ही स्ट्रेटजिक वे में इस सब्जेक्ट को लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही जनरल सब्जेक्ट नहीं है, थोड़ा टेक्निकल है। क्वेश्चन बनाने वाले भी अपने आप को लिमिट करके क्वेश्चन बनाते हैं, इसलिए उनके लिमिटेशन को देखते हुए, अपने लिमिटेशन को देखते हुए आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो इससे कुछ लिमिटेड सोर्स से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं स्ट्रेटेजी की बात करूंगा। यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हैं, इंडियन इकोनॉमी का मैंने दिया हुआ है और बाकी मैंने कुछ बुक्स बताई हैं, एटलीस्ट 6 बुक हैं यहाँ पे, और वो 6 बुक्स कैसे आपकी हेल्प करेंगी वो मैं 1 by 1 आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि ये जितने 6 बुक्स हैं, 6 किताबें हैं, आपको सभी लाइन बाय लाइन पढ़नी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको करना है, क्या स्ट्रेटजी लेकर आपको चलना है। तो सबसे पहले आप सिलेबस देखिए कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का जो सिलेबस है वो जनरल इकोनॉमिक्स 1 का, वो 2 पार्ट में है। एक यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट ए है और आगे आप देख सकते हैं पार्ट बी है। ये 2 पार्ट में सिलेबस बटा हुआ है। तो सबसे पहले आप पार्ट ए में देखिएगा, थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ये माइक्रो का है। थियरी ऑफ प्रोडक्शन, ये भी माइक्रो का है। थियरी ऑफ वैल्यू, ये भी माइक्रो का है। और थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी माइक्रो का है। और वेलफेयर इकोनॉमिक्स, ये भी माइक्रो का है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन जो आपको पूछना चाहिए वो ये है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि 2 स्कोप है यहाँ पे, 2 नहीं 3 बोलिए। एक तो हो सकता है कि आप कहिए कि क्या इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या इससे डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें न्यूमेरिकल्स नहीं। डेस्क्रिप्टिव तो क्वेश्चन होते हैं, आप ये कहिए कि नॉन न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा आप कह सकते हैं। क्या इससे नॉन न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि जिसमें सिर्फ एक्सप्लेनेशन हो, और या फिर आप ये बोलिए कि क्या इससे ग्राफिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जो वेटेज होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन का, वो सबसे ज़्यादा होता है जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की बहुत ज़्यादा वेटेज दिया जाता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं जिसमें शायद आपको ना ग्राफ की जरूरत पड़े ना न्यूमेरिकल की। लेकिन जनरली जो ज़्यादातर क्वेश्चन होंगे, ऑलमोस्ट आपके 80 to 90% क्वेश्चन होंगे, वो या तो आपको मैथमेटिकल आंसर देना होगा या फिर आपको ग्राफ स्केच करना पड़ेगा। मैं माइक्रो की बात कर रहा हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक, अब जैसे देखिए ये थियरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड है, तो इससे न्यूमेरिकल के स्कोप बहुत ज़्यादा है। जैसे आपसे यूटिलिटी फंक्शन किससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक, आपसे जैसे यहाँ पे देखिए इनकम प्राइस, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्लस की थियरियम से पूछे जा सकते हैं, यानी कि कुल मिलाकर इसमें न्यूमेरिकल की स्कोप बहुत ज़्यादा है। अब जैसे मेनली जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इसमें ये होते हैं, मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन होता है। ठीक, मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन, जैसे यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना होता है, एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करना होता है, तो वो न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। इनडायरेक्ट यूटिलिटी हुआ, एक्सपेंडिचर, सबसे न्यूमेरिकल की स्कोप इसमें बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे। और इसके बाद देखिए गेम थियरी का जो क्वेश्चन होता है, इसमें भी न्यूमेरिकल्स ही होते हैं। तो मेजरली ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही इसी से बनते हैं, इस पोर्शन से बनते हैं
जहाँ तक कंज्यूमर डिमांड की बात है, इसे न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें आपको ग्राफ बनाने के लिए कहा जाए, जनरली 5 मार्क्स के वो क्वेश्चन हो सकते हैं। तो जो ग्राफ भी बनाने के लिए कहा जाता है वो स्केल्ड ग्राफ बनाना नहीं होता है, आपको एक रफ बनाना होता है, ठीक। तो उस तरह का के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो न्यूमेरिकल की स्कोप इसमें बहुत ज़्यादा है, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह थियोरी ऑफ प्रोडक्शन में भी देखिए, कोब डोगलास सीईएस फिक्स्ड कोफिशिएंट प्रोडक्शन फंक्शन है, ट्रांसलोड प्रोडक्शन फंक्शन है, ये सबसे न्यूमेरिकल्स पूछने की स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि ये जो पेपर होगा जनरल इकोनॉमिक्स 1 का, इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन एकदम से पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। अब बाकी जो 3 टॉपिक बच रहा है आपका, थियोरी ऑफ वैल्यू, थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स, इससे क्या होता है कि उतने न्यूमेरिकल्स हो सकता है नहीं पूछे जाएं, लेकिन पूछे जा सकते हैं, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इसमें उतना ज़्यादा स्कोप नहीं रहता है, या कहिए कि स्कोप तो रहता है, इसमें नॉन न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछने का स्कोप ज़्यादा होता है इन सब सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे आपको इन सब टॉपिक से क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल सकते हैं जहाँ या तो ग्राफिकल आंसर आपसे मांगा जाता है, या फिर आपको नॉन न्यूमेरिकल एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखना होता है, तो वो आपसे वो पूछ सकते हैं। तो इस तरह करके ये पूरा पार्ट डिवाइडेड है। अब एक चीज़ यहाँ पे और आप गौर कीजिएगा कि इसमें आपको मार्केट वाला पोर्शन नहीं दिखाई दे रहा है, ये आप गौर, अगर आप किसी ने गौर किया होगा तो उन्हें दिखाई देगा कि इसमें मार्केट करके जो एक पोर्शन होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो आपको नहीं दिखाई दे रहा है अलग से। तो मार्केट वाला पोर्शन कहाँ होता है, मैं आपको बता दूं कि आप जब पूरा सिलेबस देखेंगे तो आपको पेपर 3 में एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स करके आपको मिल जाएगा, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स करके आपको एक एक पूरा पोर्शन मिलेगा जिस सिलेबस का, तो वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक का जो मार्केट वाला पार्ट है वही डाला हुआ है, ठीक। तो जब आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स की तैयारी आपको उसी टाइम कर लेनी है, उसको अलग से देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ये बात भी आप ध्यान में रखें। तो कुल मिलाकर जैसा कि मैंने बताया कि न्यूमेरिकल्स आपसे काफ़ी ज़्यादा पूछे जाएंगे, या ग्राफिकल क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें आपको एक्सप्लेन ही करना हो, लेकिन ज़्यादातर ये ऐसे क्वेश्चन नहीं होते हैं जिसमें सिर्फ एक्सप्लेनेशन हो, आपसे जनरली क्वेश्चन या तो न्यूमेरिकल होते हैं या तो ग्राफ आपको बनाना पड़ता है, और उसमें भी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स ही ज़्यादा होते हैं। तो इसमें कौन सी बुक आपकी हेल्प कर सकती है, तो जो सबसे पहला बुक जो मैं रेकमेंड करूँगा वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स थियरी बेसिक प्रिंसिपल एंड एक्सटेंशन, वाल्टर निकोलसन एंड क्रिस्टोफर स्नाइडर, बहुत कॉमनली इसे निकोलसन की माइक्रो इकोनॉमिक्स ऐसा कह के जाना जाता है। तो इस बुक में अच्छी बात क्या है कि इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, और जो एंड चैप्टर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें न्यूमेरिकल्स भरे हुए हैं, ठीक, न्यूमेरिकल्स भरे हुए हैं, और जो जब आप एग्जाम के क्वेश्चन को मैच करेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन मैच कर जाएंगे, इससे एकदम सिमिलर से क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो ये एक आइडियल बुक है जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसे करने के लिए, ग्राफिकल भी इसमें एक्सप्लेनेशन है वो भी बहुत हेल्पफुल है, लेकिन न्यूमेरिकल में ये बुक सबसे अच्छी बुक मैं कहूँगा कि यह है कि न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। उसके बाद जो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें ग्राफिकल होते हैं या फिर थोड़ा डिस्क्रिप्शन होता है, तो उसके लिए ये दोनों बुक है, एक तो मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स एक और सोनिस, और फिर इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स हॉलवेरियन। तो इन सब बुक से आप क्या कर सकते हैं कि जो ग्राफिकल क्वेश्चन है या नॉन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको, इसमें से भी आपको दिखाई देगा कि डायरेक्ट इसमें जो टॉपिक दिए गए हैं उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप सिंपली कॉपी पेस्ट भी कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन कुछ आउट ऑफ वर्ल्ड पूछते हैं, ये जो तीनों बुक है, अगर आपने तीनों बुक्स पढ़े हुए हैं, मैं नहीं कहूँगा कि आप तीनों बुक जाके पढ़िए, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो आप देखेंगे कि सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं इन बुक्स में आपको मिल ही जाएंगे। तो ये चीज इसलिए मैं ये तीनों बुक ही कह रहा हूँ, आप इससे बाहर नहीं जाइएगा। आपको अगर पढ़ना होगा तो आप सबसे पहले सबसे ज़्यादा निकोलसन की बुक पढ़िए, उससे आपके न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएंगे, और उसके बाद और अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की चाहिए, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन चाहिए, एक
इजी लैंग्वेज में चाहिए थोड़ा, तो मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स एक और सेंस बहुत ही अच्छी बुक है, और बहुत जो इकोनॉमिक्स जिन्होंने आईएएस में अच्छा रैंक किया है वो इस बुक को रेकमेंड करते हैं। लेकिन वो इसलिए रेकमेंड करते हैं क्योंकि उन्होंने अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा है, तो उनके पास न्यूमेरिकल्स के नोट्स रहते हैं। तो आपके पास ना हो न्यूमेरिकल्स के नोट्स तो ये बुक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक। और बाकी कुछ चीज़ें हैं जो आपको दोनों बुक्स में नहीं मिलेंगी, तो यही इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स हॉल वेरियन का पढ़ लीजिएगा। अब बात आती है कि आपको कैसे पता चलेगा कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आप टीचमेंट क्लासरूम हमारा ज्वाइन कर ले, तो वहाँ हम बताते रहते हैं, हम प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करते हैं आईएएस के, और भी आपको जो सिलेबस है उसे पूरा कवर करते हैं लेक्चर्स के थ्रू। तो वहाँ आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस बुक से कौन सी चीज़ें पढ़नी चाहिए। और जनरली जब आपको पढ़ाया जाता है तो जो भी टॉपिक होता है वो किस बुक से पूछा गया है वो आपको बता दिया जाता है कि ये टॉपिक इस बुक के इस पेज में या इस चैप्टर से आपको बताया जा रहा है। तो उससे क्या होता है कि आपको एक डायरेक्ट रेफरेंस मिल जाता है, आपको खोजने में टाइम बर्बाद नहीं करना होता है। क्योंकि देखिए वीडियो जो होता है, कोई भी वीडियो हो, एक जेन्युइन वीडियो जो होता है वो सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही एक्सप्लेन करता है। अब जो वीडियोज़ होते हैं लेंदी वीडियोज, आपने देखा होगा कि 2 घंटे 3 घंटे के लाइव सेशन होते हैं, तो आई थिंक जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनके पास उतना समय नहीं होगा कि 2-3 घंटे का लंबा लंबा लेक्चर देखें। वो सिंपली टू द पॉइंट लेक्चर देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो बुक से पढ़ ले उस चीज़ को और अच्छे से समझ ले। तो इसके लिए आइडियल है हमारा टीचमेंट क्लासरूम, आप टीचमेंट क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात आती है जो अगला पोर्शन है सिलेबस का, पार्ट बी, क्वांटिटेटिव मेथड इन इकोनॉमिक्स। तो क्वांटिटेटिव मेथड इन इकोनॉमिक्स में क्या है, एक तो मैथमेटिकल मेथड इन इकोनॉमिक्स है, आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन और उसका अप्लीकेशन इकोनॉमिक्स में जानना है, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स को जानना है, मैट्रिक्स पढ़ना है, फिर लीनियर अलजेब्रा, लीनियर प्रोग्रामिंग, ये सब चीज़ें पढ़नी है। तो इसके लिए आपको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की एक अलग से बुक लेनी होगी, चाहिए वो बुक। तो वो बुक भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मैंने डाला नहीं है। जनरली जो क्वेश्चन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एक डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मैथमेटिकल नेचर के होते हैं, तो वो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के ही पार्ट बन जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सॉम्स आउटलाइन की जो बुक है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की, वो आपको पढ़ना है। उसमें बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको बताया गया है। या फिर आप एक और मैथमेटिकल बुक है अल्फा ए चियांग करके एक बुक आती है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट अच्छी बुक है। लेकिन मैं कहूँगा कि आप पहले ये वाला पढ़े, उसके बाद इसमें जो टॉपिक बच जाता है आप इसे पढ़े, क्योंकि ये बुक थोड़ा लेंदी है और सबको समझ में नहीं आती है। तो जो टॉपिक इसमें नहीं दिया हुआ है वो इसे पढ़ ले, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग, इनपुट आउटपुट एनालिसिस आपको हो सकता है नहीं, इसमें आपको नहीं मिलेगा अच्छे से, अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा आपको स्वाम आउटलाइन में। एक बहुत ही बेसिक एक्सप्लेनेशन होता है, बहुत ज़्यादा बेसिक होता है और एक सिर्फ आउटलाइन होता है। लेकिन अल्फा चियांग में आपको जो चाहिए जितना चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो आपको ये बुक भी पढ़नी पड़ेगी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लिए। तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के लिए यही दोनों बुक है, और बाकी ये सारी बुक्स आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप टीचमेंट क्लासरूम के पार्ट है तो वहाँ हम बता देते हैं क्या चीज़ कैसे पढ़ना है, सारे स्टडी मटेरियल हम आपको अवेलेबल करा देते हैं। और बाकी आता है स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, तो इसमें भी इसका भी वेटेज काफ़ी होता है। सिलेबस आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा लेकिन इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, लगभग आधा क्वेश्चन होता है जो स्टैटिस्टिक्स या इकोनोमेट्रिक्स से होता है। तो उसके लिए जो मैं बुक्स रेकमेंड करूँगा आपको, एक तो स्टैट से डायरेक्ट क्वेश्चन, हूबहू क्वेश्चन, एकदम सेम सिमिलर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सेम क्वेश्चन उठाकर आपको आईएएस में मिल जाएंगे। अगर आपने मेरे प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन वीडियो देखे होंगे, अगर आप टीचमेंट क्लासरूम में है तो आपने देखा होगा, या फिर यूट्यूब पे भी मैंने भी कुछ वीडियो डाल के रखे हैं उसे देखा होगा, तो मैंने बताया है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है आईएएस में, मैंने डायरेक्टली पेज नंबर करके बता दिया है आपको। तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका मतलब इसी बुक को स्टैंडर्ड मान के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि
एसवी गुप्ता की बुक स्टैट के लिए सबसे रेलेवेंट बुक है जब बात होती है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की। ऐसे भी इंडिया में जो भी एमए लेवल के एग्ज़ाम होते हैं जहां स्टेट की नॉलेज की जरूरत होती है, तो एसवी गुप्ता वीके कपूरी एक स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है। तो इसमें ये बहुत मोटी बुक है, तो आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है, जो इम्पोर्टेंट है आपको वही पढ़ना है। अगर आप टीचमिन क्लासरूम में है तो बिल्कुल हम आपको बताते चलेंगे जो इम्पोर्टेंट है, हर चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी, क्योंकि इतनी मोटी बुक पढ़ने के लिए टाइम आपके पास बिल्कुल भी नहीं होगा। अब अगला जो एक मेजर क्वेश्चन होता है कि इकोनोमेट्रिक्स के लिए कौन सी बुक पढ़े, ज़्यादातर लोग रेकमेंड करते हैं बेसिक इकोनोमेट्रिक्स बाय दामोदर गुजराती, लेकिन मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। अब मैं क्यों नहीं करूँगा, मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग, लगभग सभी लोग जो इकोनोमेट्रिक्स पढ़ना शुरू करते हैं दामोदर गुजराती की बुक से, वो ये कंप्लेन करते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और ये इसलिए समझ में नहीं आता है क्योंकि ये एक अजम्पशंस लेके चलते हैं कि आपको स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज है, यानी कि आपको अंडरस्टैंडिंग है स्टैट की, और ये सब्जेक्ट आपके लिए एकदम से नया नहीं है। लिखने के लिए बेसिक इकोनोमेट्रिक्स लिखा हुआ है, लेकिन ये बहुत ही अप्लाइड नेचर का बुक है, तो अप्लाइड चीज़ें आपको तुरंत समझ में नहीं आएगी जब तक आपको थियोरी का थोड़ा नॉलेज नहीं हो। और दूसरी बात कि इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो इम्पीरिकल क्वेश्चन होते हैं, और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब आप कैसे दीजिएगा, उसके लिए आपको ऐसी बुक पढ़नी चाहिए जहाँ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो, आपने उसकी प्रैक्टिस की हो। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि ये बुक सबसे अच्छी है। एक क्वेश्चन इसकी माइक्रो इकोनॉमिक्स लगभग सभी ने पढ़ी ही होगी, अगर नहीं पढ़ी हो तो पढ़ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो इनकी इकोनोमेट्रिक्स की बुक भी बहुत अच्छी है। इसमें सबसे अच्छी बात है कि ईजी लैंग्वेज है इसका, ठीक, इसका इजी लैंग्वेज में एकदम चीज़ें को एक्सप्लेन किया गया है और स्टेप वाइज अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, मतलब बहुत ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन आप जो है उसे आप कर सकते हैं इसमें इकोनोमेट्रिक्स का दिया हुआ है। आपको ये बुक बहुत समझ में आएगी, दामोदर गुजराती नहीं समझ में आएगी, लेकिन ये बुक आपको समझ में आएगी। और इसके अलावा, और हम तो हेल्प करने के लिए है ही, हम जो वीडियोज़ बनाते हैं मेनली इस बुक से बनाते हैं, और इस बुक में एक अच्छी बात है कि इसमें हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दिए हुए हैं एंड चैप्टर में, तो वो क्वेश्चन ही पूछो, वैसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उसका आंसर अच्छे से कर पाएंगे। ठीक, तो ये बुक लिस्ट भी मैंने आपको बता दिया कि जनरल इकोनॉमिक्स 1 के लिए कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए। अब बात ये है कि दामोदर गुजराती की जो बुक है क्या आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़नी चाहिए, तो ये भी नहीं है, बात नहीं है, आपको दामोदर गुजराती की भी बुक पढ़नी चाहिए अगर आपको इकोनॉमिक्स समझ में आ रही है तो। ये भी बहुत ही अच्छी बुक है, इससे क्या होगा कि इकोनोमेट्रिक्स को लेकर अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चनिस थियोरी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स सेकेंड एडिशन सबसे अच्छी बुक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इसमें से मिलेंगे, स्पेशली जो डिराइवेशन वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपको एक क्वेश्चनिस में ही बहुत अच्छे से मिलेंगे, और न्यूमेरिकल जैसा कि मैंने बताया कि इसमें इन चैप्टर न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, फिर एग्जाम्पल्स में भी कुछ सॉल्व किए हुए हैं, तो वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगा। तो ये मैं कहूँगा कि सबसे आइडियल बुक है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए। गुजराती मैंने कहा कि आपको नॉलेज चाहिए, इकोनॉमेट्रिक्स को समझना है, थोड़ा अप्लाइड वे में समझना है, तो आप गुजराती पढ़ें, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थियोरी यही बुक एक और 19 की सबसे अच्छी इकोनॉमेट्रिक्स की। और बाकी आप हमारा लेक्चर अगर आपने देखा होगा, हमने बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं, तो वहाँ भी आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये बुक एक्चुअली बहुत यूजफुल है आपको इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो यही चीज़ें आपको रिकमेंड करनी थी, जो भी जनरल इकोनॉमिक्स 1 के लिए होना चाहिए वो मैंने बता दिया। अब ये चीज़ें आप कितना जल्दी कर पाते हैं ये आप पे डिपेंड है। अगर आप टीचमिन क्लासरूम ज्वाइन करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हम आपकी बहुत हेल्प करेंगे और आप इम्पोर्टेंट चीज़ों को सबसे पहले कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। जो लोग टीचमिन क्लासरूम में नहीं है, इस वीडियो को फेसबुक या यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टीचमिन क्लासरूम ज्वाइन कर सकते हैं, और जो बुक्स मैंने रेकमेंड की है वो आपको डिस्क्रिप्शन में ही उसका लिंक भी मिल जाएगा। एक हमारा जो अमेजन का आपको लिंक दिया होगा बुक स्टोर का, वहाँ से आपको मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में देखें, सभी लिंक को एक्सप्लोर करें, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो।